गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर और ध्यान देंगे। लेसन नंबर 12, द चाइल्ड्स रिटर्न। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था। दिस चैप्टर वॉज एक्चुअली रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी को लिखा है। तो आइए देखते हैं, क्या थोड़ा सा एक बार रिकैप किया जाए। इस कहानी में क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनुकूल और उसी के घर में एक नौकर रहता है जिसका नाम है रायचरण। ठीक है, तो अनुकूल धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और रायचरण का काम होता है अनुकूल के उस छोटे से बच्चे को, जो कि कुछ ही समय पहले जिसका जन्म हुआ था, उसी की देखभाल करना। न्यू वंडर्स। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वह बच्चा जो है 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल इस तरह से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो पापा मामा चाचा इस तरह से वो स्पेल आउट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही रायचरण जब उस छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनता है तो उसके खुशी का ठिकाना न रहता है और वह तेजी से आसपास के लोगों को जाकर बताने लगता है कि वह बच्चा जो है बोलने लगा। अब आप हाँ, उसके बाद क्या होता है कि अनुकूल कुछ ही समय के बाद अनुकूल जो कि उस छोटे से बच्चे का पिता होता है, उनकी नौकरी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो पद्मा नदी के किनारे बसे हुए एक ज़िले में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट रेनी सीजन कम्स। ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु जो है आती है और मौसम काफ़ी सुहावना दिखने लगता है। कुछ ही समय के बाद सारे टैंक्स, तालाब, गांव, कॉर्नफील्ड, राइस फील्ड सभी जगह पानी से जो है लबालब भर जाता है। ठीक है, उसके बाद रायचरण जो कि उस बच्चे को काफ़ी प्रेम करता है, उस बच्चे को घुमाने के लिए वो प्रतिदिन नदी के किनारे सुबह सवेरे उसे घुमाने के लिए ले जाता है। उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा कदम का पेड़ था जिसपे फूल जो है पीले पीले गोल गोल फूल लगे हुए थे। देख करके वह बच्चा छोटा सा इतना लालायित हो जाता है कि उसकी ओर वो बहुत ध्यान से गौर से देखने लगता है। ठीक है, जिसे देख करके रायचरण को समझ में आ जाता है कि अब इस बच्चे को जो है वो फूल चाहिए। ठीक है, तो कई बार उसे वो खुश लाने की कोशिश करता है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। फिर अंत में उस बच्चे की बात को मानते हुए रायचरण उस कदम के पेड़ के पास जाता है उसको फूल को तोड़ने के लिए, लेकिन जाने से पहले उस बच्चे को समझाता है जो कि अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था, बच्चों की जो गाड़ियाँ वगैरह होती थी जिसको बैठा करके बच्चों को सुबह सवेरे घुमाया जाता है, तो उसी पर बैठा हुआ था बच्चा
लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच वह बच्चा जो है पानी के चलते हुए बहाव से उसके करंट को देख करके वो इतना लालायित होता है कि वह बच्चा चुपके से उस गाड़ी से उतर जाता है और चौड़ी चुपके से वो नदी की तरफ जो है लटकाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अब आगे राजचरण हैड प्लक्ड अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री एंड वॉज कैरिंग देम बैक इन द इंड ऑफ हिज क्लोथ। ठीक है, राजचरण ने एक मुट्ठी फूल जो है तोड़ता है पेड़ से और अपने क्लोथ के निचले हिस्से में उसको रख करके वो उस छोटे से बच्चे के लिए लाता है। विद हिज फेस रेड इन स्माइल्स, ठीक है, उसके चेहरे पर अभी भी खुशी की झलक दिख रही थी। बट वेन ही रीच द गो कार्ड देयर वॉज नो वन देयर। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की गाड़ी के पास वो पहुंचता है तो देखता है कि वो बच्चा वहां से गायब है। He looked on all sides and there was no one there. वो चारों तरफ इधर उधर चारों तरफ देखता है, ढूंढता है उसको, उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता है। He looked back at the cart, but the baby was gone. फिर से वो वापस उस कार्ट की ओर देखता है, लेकिन बच्चा तो वहाँ था ही नहीं। In that first terrible moment, his blood froze within him. जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके जिगर का टुकड़ा जो है कहीं खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, पूरी तरह से वो डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका ब्लड जम गया। Before his eyes, the whole universe swam round like a dark mist. उनके आंखों के आगे ऐसा लगता है जैसे उनके आंखों के आगे रायचरण की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। From the depth of his broken heart, he gave one piercing cry, "Master, master, little master!" अब उसका दिल इतना टूट जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोटे मालिक, मालिक कहाँ है आप, छोटे मालिक आप कहाँ हैं। But no voice answered Channa. लेकिन कोई भी आवाज़ वहाँ चना की आवाज़ नहीं आती है, जो कि वो छोटा सा बच्चा प्यार से तोतली आवाज़ में रायचरण को पुकारा करता था। As the evening approached, रायचरण went back to the bungalow and fell at the feet of his mistress. जैसे ही शाम आती है तो रायचरण वापस बंगलों पे जाता है और अपनी मालकिन के पैरों पर गिर पड़ता है। She shook him and questioned him and asked him repeatedly where he had left the child. But all he could say was that he knew nothing. वो उसे हिलाती है, उसे झकझोरती है, उसे बार बार क्वेश्चन पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है, उसने मेरे बच्चे को तुमने कहाँ छोड़ दिया, लेकिन कोई भी जवाब वो रायचरण नहीं देता है। दो एवरी वन हैड द ओपिनियन दैट द पद्मा हैड स्वैलोड द चाइल्ड, देयर वॉज अ लर्किंग डाउट लेफ्ट इन द माइंड।
सभी को लगने लगता है कि ज़रूर पद्मा नदी के तेज धार में वह बच्चा बह गया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ संदेह जो है अभी भी मन में बना हुआ था। The mother went so far in her wild grief as to think it possible that Rai Charan had stolen the child. उस बच्चे की जो माँ थी उसे यही लग रहा था, उसे बार बार यही लग रहा था कि जरूर राय चरण ने ही उस बच्चे का अपहरण कर लिया है, उसे चोरी कर लिया है। द बेबी बॉय हैड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन हिज बॉडी। वह छोटा बच्चा जो था उसने गले में कई सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह सोने चांदी के बहुत सारे गहने जेवर पहन रखे थे। She called Rai Charan aside with piteous entreaty and said, Rai Charan, give me back my baby. उन्होंने क्या किया, माँ ने उस छोटे से बच्चे की माँ ने Rai Charan को एक तरफ बुलाया और उसे पिटियस मतलब कह सकते हैं कि दया दिखाते हुए उसने कहा कि Rai Charan प्लीज़ कृपया मुझे मेरा बच्चा वापस कर, गिव मी बैक माय चाइल्ड, टेक फ्रॉम मी एनी मनी यू आस्क बट गिव मी बैक माय चाइल्ड, प्लीज़ Rai Charan मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। Rai Charan only beat his forehead in reply. Rai Charan जो है जवाब में उसने अपना सर जो है पीटने लगा कि मैम मैंने आपका बच्चा मालकिन मैंने आपका बच्चा नहीं लिया है, मैंने नहीं चोरी किया है। His mistress ordered him out of the house. उनकी मालकिन ने क्या किया कि अपने नौकर Rai Charan को मकान से बाहर जाने का आदेश दिया, निकल जाओ मेरे घर से। Rai Charan went back to his own village. Rai Charan वापस अपने गांव चल पड़ा। Up to this time he had had no son and there was no hope that any child would now be born to him. इस समय तक चूंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसका कोई संतान भी न था इस दुनिया में और अब होने की उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। बट इट केम अबाउट बिफोर द एंड ऑफ अ ईयर दैट हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन एंड डाइड। ठीक है, एक बात हुआ था कि उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन कुछ ही समय के बाद वो बच्चा चल बसा मर गया। फैलना फॉर दैट वॉज द नेम Rai Charan's son वॉज गिवेन सून बिगैन टू टॉक। ठीक है, फैलना Rai Charan ने अपने बेटे को फैलना कहा था, सून बिगैन टू टॉक, उसने जल्द ही बोलना शुरू कर दिया था उस छोटे से बच्चे को जिसके यहाँ Rai Charan काम करता था। ठीक है, तो Rai Charan ने अपने बच्चे का नाम जो रखा था वही नाम अपने मालिक अनुकूल के बच्चे को भी वही नाम उसने दिया था और
उस बच्चे ने जल्द ही बोलना शुरू कर दिया। इट लर्न टू से बाबा एंड मामा विद अ बेबी एक्सेंट। बेबी एक्सेंट के साथ जैसे बाबा, बच्चे लोग कैसे बोलते हैं बाबा बाबा, ठीक है मामा मामा इस तरह से, तो उस बच्चे ने बाबा मामा कहना शुरू कर दिया था। व्हेन रायचरण हर्ड दोज फैमिलियर साउंड्स द मिस्ट्री सडनली बिकेम क्लियर। जैसे ही रायचरण ने उस जानी पहचानी आवाज को सुना तो उसका मिस्ट्री, उसके रहस्य पर से पर्दा उठ गया। द लिटिल मास्टर कुड नॉट कास्ट ऑफ द स्पेल ऑफ हिज चरना एंड देयरफॉर ही हैड बीन रीबॉर्न इन हिज ओन हाउस। कहता है कि वेन रायचरण, द लिटिल मास्टर कुड नॉट कास्ट ऑफ द स्पेल ऑफ हिज चरना। वह छोटा सा जो बच्चा था, छोटा मालिक, वह अब चलना भी नहीं बोल पा रहा था। एंड देयरफॉर ही हैड बीन रीबॉर्न इन हिज ओन हाउस। और ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे का जन्म जो है वापस उसी के घर में हुआ है। When once he had come to this conclusion, Rai Charan gave himself over body and soul to the new baby and became its devoted attendant. और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेवारी, उस बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी भी रायचरण को हो गई। He began to bring it up as if it was the son of a rich man। वह अपने बच्चे के साथ इस तरह से पेश आने लगा जैसे मानो कि वो किसी अमीर का बच्चा हो। He bought a go-kart, a yellow satin waistcoat and a gold embroidered cap। उसने उस बच्चे के लिए एक go-kart लाया, नहीं होता वो तीन पहिया जो लकड़ी का होता है उसको बच्चा पकड़ के चलता है, a yellow satin waistcoat, एक येलो waistcoat जो है लाया, and a gold embroidered cap, और सोना जड़ा हुआ एक कैप भी जो है उसने लाया। He melted down the ornaments of his dead wife and made gold bangles and anklets। उसने अपने मरे हुए पत्नी के गहने जेवर से कई सारे कंगन और एंकलेट्स मतलब पाजेब या पायल कह सकते हैं, पायल वगैरह बनवाया। एट लास्ट द टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल। अब समय आ चुका था उस बच्चे को स्कूल जाने का, उसके अपने बच्चे का स्कूल जाने का। रायचरण सोल्ड हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड वेंट टू कैलकटा। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, चूँकि अनुकूल और जो उनकी पत्नी का जो बच्चा था वो तो वास्तव में कहीं खो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, लेकिन जब रायचरण को उस घर की मालकी ने, अनुकूल की पत्नी ने जब घर से निकाल दिया यह समझते हुए कि उसी ने उसके बच्चे की चोरी की है, तो उसने रायचरण को घर से बाहर निकाल दिया और रायचरण भी वापस अपने गांव
अपने फैमिली अपनी पत्नी के पास चला गया। ठीक है, यद्यपि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसे लग रहा था कि उसके उसे बच्चे नहीं होंगे, फिर भी आगे चलकर के उसे एक बच्चा हुआ जिसका पालन पोषण और उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी माँ चल बसी। ठीक है, कुछ ही दिनों का था वो बच्चा जब उसकी माँ चल बसी तो उसका उसके परवरिश की जिम्मेवारी भी रायचरण के पास चली आती है और रायचरण भी उस बच्चे को रायचरण भी उस बच्चे की देखरेख करने लगता है। जो फैसिलिटी अनुकूल के बच्चे को मिलती थी वही उसी तरह की परवरिश वह अपने बच्चे को करने लगता है। और जब वो बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है तो रायचरण के पास जो छोटे से ज़मीन की टुकड़ी थी उसको बेच करके वह कोलकाता चला जाता है। देयर ही गॉट एम्प्लॉयमेंट विद ग्रेट डिफिकल्टी एज अ सर्वेंट एंड सेंट फैलना टू स्कूल। ठीक है, वहाँ पर बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक नौकरी मिलती है और एक नौकर के रूप में, और वह अपने बेटे फैलना को स्कूल भेजने लगता है। ही स्पेयर्ड नो पेंस टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन, द बेस्ट क्लोथ्स, द बेस्ट फूड, हर तरह की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह हमेशा 12 घंटे 14 घंटे कठिन मेहनत करने के बाद वो उसके पढ़ाई में, एजुकेशन में, कपड़ों में और यहाँ तक कि अच्छा से अच्छा भोजन देने में भी वो कसर नहीं छोड़ता है। Meanwhile, he himself lived on a mere handful of meals। और इसी बीच जो उसे भोजन मिलता है वो भी थोड़ा मोड़ा जो बचा खुचा हुआ जो रहता है छोटा थोड़ा सा उसी को वो खा लेता है रायचरण। ट्वेल्व ईयर्स पास्ड अवे इन दिस मैनर। इसी तरह से अगले 12 साल जो है बीतते चले जाते हैं। द बॉय वॉज एबल टू रीड एंड राइट वेल। अब वो लड़का पढ़ने लगता है और लिखने भी लगता है। ही वॉज ब्राइट एंड हेल्दी एंड गुड लुकिंग। वो काफ़ी सुंदर, भव्य और हेल्दी भी था एंड गुड लुकिंग और अच्छा खासा दिखने वाला भी बच्चा था। रायचरण ग्रू ओल्डर एंड ओल्डर। धीरे धीरे रायचरण और भी बूढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे और भी बूढ़ा होने लगता है। देन वन डे रायचरण एंड फैलना बोर्डेड अ ट्रेन एंड वेंट ऑफ टू बारासेट वेयर अनुकूल वॉज अ मैजिस्ट्रेट। और फिर एक दिन रायचरण और फैलना एक ट्रेन में चढ़ते हैं और वो बारासेट जिला चले जाते हैं जहाँ पर अनुकूल एक मैजिस्ट्रेट बन चुके थे। थ्रू आउट द जर्नी रायचरण सैट साइलेंटली। पूरी यात्रा के दौरान रायचरण बहुत एकदम गुमसुम होकर के चुपचाप बैठा हुआ था डब्बे में। His son had no idea why they were going to Barasat। जबकि उसका छोटा सा बेटा था, अब थोड़ा तो बड़ा हो चुका था, तो उसे बिल्कुल भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डैडी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.